digital techniques. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम कैसर रहीम है और आप देख रहे हैं ई डिजिटल टेक्निक यूट्यूब चैनल। बाज़ुकत क्या होता है कि हमारे बच्चे मोबाइल के अंदर कोई ना कोई वीडियो गेम्स को इंस्टॉल करते हैं और वह एक वायरस लेके आने का बायस बन जाती हैं, या हम लोग डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं जिससे हमारे मोबाइल में वायरस आए। तो वायरस आकर क्या करता है हमारे मोबाइल में कि जैसे ही हम लोग अपने मोबाइल को ओपन करते हैं, अपने मोबाइल को ओपन करने के बाद सामने एक इस तरह करके एक ऐड खुलकर आ जाती है, जो कि हम लोगों ने इसको खोला भी नहीं होता और ये सामने देखेंगे इस तरह करके ऐड आ जाती है, जो कि हमें मुश्किल का बायस बनती है, बाद का अनोइंग होती है बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब में बहुत सारी वीडियोस देखी कि उन्होंने कहा कि आराम से आप इसके गूगल क्रोम के में जाएँ और गूगल क्रोम में जाकर आप अपने स्टोरेज में जाएँ, स्टोरेज में जाकर आप इसका कैशे को क्लियर डेटा कैसे आप इसको कर दें तो आपका जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। मैंने ये करके देख लिया, मैंने इसको किया, इसके बाद मैंने इसको ओपन किया है। ओपन करने के बाद देखें कि मैं इसको चलें, इसको मैंने ख़त्म कर दिया हुआ है। उसके बाद मैं दोबारा से इसको ऑफ़ किया है। ऑफ़ करने के बाद मैं इसको अगर दोबारा से फिर ओपन करता हूँ तो मेरे सामने फिर दोबारा उसी तरह ही ऐड आ जाती है कि वो, हालांकि मैंने उसको तो क्लियर कर दिया था उसका कैशे। देखिए इसके बाद खुद ही ऑटोमेटिकली खुलकर आ गया। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ, नेक्स्ट किया और यस मी, और उसके बाद देखेंगे सेम उसी तरह कोई ना कोई एक अनोइंग ऐड कोई ना कोई ऑटोमेटिकली आती रहती हैं। तो अगर आपके पास भी ऐसा कोई प्रॉब्लम है और आपने ये सारे तजर्बे करके देखे हैं जो भी आपको यूट्यूब में सिखाए जा रहे हैं, तो एक दफ़ा मेरे कहने पर आप ये भी एक्सपेरिमेंट करके देख लें। कभी भी आपको ये मुश्किल पेश आती है तो आपने क्या करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने ऐप्स में चले जाना है। यहाँ पे कहीं ऐप्स लिखा होता है, ये ऐप्स लिखा हुआ है। इसमें अगर ऐप्स में जाते हैं तो इसमें आपने देखना है कि कौन कौन से सॉफ्टवेयर्स हैं जो आपने इंस्टॉल नहीं किए हुए। वो जो वायरस होता है ना, वायरस आपके मोबाइल में उसका खुद का कोई नहीं होता नाम, वो एक डिफरेंट तरह के नाम होते हैं। जैसे ये हमने लिखा हुआ है ब्रीफिंग, ब्रीफिंग नाम का मैंने कोई सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये मेरे मोबाइल में एक वायरस का बना हुआ है, कोई ना कोई ये इसमें कोई ना कोई वजह बनी हुई है, ठीक है। और आपने इसके अलावा अगर मैं देखता हूँ इसमें जो वायरस होता है, वायरस का नाम भी नहीं आता। हम लोग इसमें देख रहे हैं कि जो सॉफ्टवेयर मैं देख रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर मेरे इंस्टॉल नहीं, जो मेरे खुद इंस्टॉल नहीं किया हुआ, उसका नाम नहीं आएगा। तो इसमें देखें कि सबसे एंड में जाकर ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है कि इसका नाम नहीं है। देखिए बाकी हर एक सॉफ्टवेयर का नाम है लेकिन इस सॉफ्टवेयर का कोई नाम नहीं आ रहा। तो इसमें क्या है कि हम लोग अपने इसको अगर डिलीट कर देंगे तो हम लोग इस मुश्किल से हम लोग बाहर निकल आएंगे। सामने देखें सेंटर पे इसमें लिखा हुआ आ गया हुआ अनइंस्टॉल, मैं इसको अनइंस्टॉल कर देता हूँ। और अनइंस्टॉल करने के बाद मैं इसको दोबारा से फिर अगर फिर भी अगर ऐड आ रही है आगे पास, अगर इस ये करने के बाद भी, तो आपने इसमें देख लेना है कि कोई और सॉफ्टवेयर ऐसा तो नहीं है जिसका नाम कोई ऐसा हो कि जो कि आप ना जानते हैं, जो कि आपने इंस्टॉल नहीं किया हुआ लेकिन वो आपके मोबाइल में कुछ ना कुछ अपने एग्जिस्टिंग कर रहा है, यहाँ पे कहीं ना कहीं इंस्टॉल हुआ हुआ है। ये असल में होता है क्या कि हम लोग जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसके साथ ही कोई ना कोई एक्सेस ऐसी ले लेते हैं कि वो हमारे मोबाइल के अंदर परमानेंट स्पेस बनाकर बैठ जाते हैं। अब ये कैंडिड, ये मैंने ऐसा कुछ ये सॉफ्टवेयर नहीं किया हुआ, अब ये कैंडिड, ये ऐसे नाम का कोई भी मैंने ये सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में इंस्टॉल नहीं किया हुआ, ये भी वायरस का एक बायस हो सकता है कि मुझे मालूम है कि मेरे मोबाइल में जो जो भी सॉफ्टवेयर है मैं इसको अनइंस्टॉल करता हूँ। अब ये दो वायरस समझ लें कि हम लोगों ने इसमें डिटेक्ट कर लिए हुए। हमें कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम लोग ऐसे कुछ देख लेते हैं ऐसे अपने मोबाइल में तो ये देखें अभी एंड्रॉयड ऑटो, अभी एंड्रॉयड ऑटो नाम का कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कि मेरे मोबाइल में इसमें एग्जिस्टिंग कर रहा है, और नहीं ये मेरा ख्याल जो जिसमें इस तरह करके आ रहा है तो ये समझ लें कि इसका मोबाइल का, ये मेरे बाहर इंस्टॉल नहीं किया हुआ लेकिन इसमें ये सारे अभी हम लोगों ने कर लिए हुए। अब ये देखें कि मैं अब इसको ख़त्म करता हूँ, ख़त्म करने के बाद अब मैं अपने मोबाइल को ऑफ़ करके दोबारा से फिर ओपन करता हूँ, देखते हैं कि इसमें अभी आ रहा है कि नहीं आ रहा। ये देखें इसमें अभी कोई ऐड नहीं आई। तो इस तरह करके हम लोग अपने मोबाइल में आने वाली एड्स को रोक सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और दूसरे दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो हैं उन तक भी मिल सकें। तो अपने अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, सामने स्क्रीन पर निशान आ रहा है, इस निशान को क्लिक करके आप मेरे चैनल को क्लिक सब्सक्राइब कर सकते हैं। शुक्रिया, अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।